देश की सियासत से गरीब की समस्याओं तक, संसद की गूंज से पंचायत की सभाओं तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू, क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। मेरा नाम प्रतीक पाल, प्रधान पुत्र हूँ मैं, निवासी ग्रामो पोस्ट बसेड़ी, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। प्रधान जी, क्या नाम है आपकी मम्मी का? मम्मी का नाम है मीना पाल। चुनाव में आपने किन मुद्दों पे, आपकी माता जी चुनाव लड़ी थी और जनता के बीच आपने क्या क्या वादे किए थे? सर, मुद्दा तो वही पुराना था, विकास का। बाकी जनता हम पे विश्वास दिखाई और मेन हमारा स्वभाव था, स्वभाव हमारा सरल था पहले से ही, और उसी पे हमने वो किया, वही हमारा सबसे मजबूत एक पॉइंट था और उसी के चलते हम चुनाव जीते भी। चुनाव जीतने के बाद महामारी आ गई थी जी, ऐसे में गांव को महामारी से बचाने के लिए आपके प्रधान के द्वारा क्या किया गया? जी, जब आई तब हमको चार्ज पूरी तरह से मिल भी नहीं पाया था, फिर भी हमने अपने स्तर से प्रयास किए, एक दो लोग लगवा के थोड़ी सफाई करवाई और हमें ब्लॉक तरफ से जो दवा मिलती उसका हमने छिड़काव करवाया था पूरे गाँव में। सर, हमारे गाँव की फिलहाल स्थिति ठीक ठाक थी, एक दो लोग थे जिनकी स्थिति थोड़ा गंभीर थी, उनको जो दवा मिली थी वहाँ से ब्लॉक से उनको दवा दी गई थी, और हाँ बीमारियाँ तो फैली थी काफ़ी, कुछ लोगों को फीवर वगैरह आया था, थर्मल स्कैनिंग हुई थी, सब ठीक ठाक था। किसी प्रकार की कैजुअलिटी या मृत्यु वगैरह गांव को सिर्फ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पूरी तरीके से गांव सुरक्षित रहा, पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। अब विकास योजनाओं की बात करें तो अब प्राथमिकता क्या है काम करने का? सर, फिलहाल प्राथमिकता यही है कि पुराने लोगों को जिनका आवास या शौचालय वगैरह जो अटका हुआ है पहले उसका वो करें, उसके बाद फिर आगे की देखा जाएगा। बिजली वगैरह की जो समस्या होती रहती है अक्सर गांव में, लाइट वाइट बिगड़ती रहती है, बारिश हो गई, आंधी आ गई, बिजली हमेशा कट जाती है, तो पहले इस पर ध्यान देना, ये प्राथमिकता है। अभी तक की विकास की बात करें तो आपसे पहले जो भी प्रधान कोई भी व्यक्ति रहा हो जी, गांव में विकास के पैमाना आप किस स्तर से देखते हैं? सर, अगर आप पूरे गाँव का भ्रमण करेंगे, जन जन से मिलेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि विकास कहाँ तक पहुँचा है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल पेपर पर हुए हैं, चाहे बिजली की तार की आप बात कर लें या सड़क की बात कर लें, शौचालय की बात कर लें, पेपर पे सब काम हुए हैं बट ऐसे रह गए हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो है सत्य चले, काम पेपर पे भी हो और दिखे भी। विकास के वादे भी चुनाव होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि विकास नारा तो रह जाता है लेकिन गाँव का विकास हो नहीं पाता? अब देखिए, कोई भी प्रधान हो, वो प्रधान बनेगा तो कुछ अपना भी हित देखता है, मगर अगर आप विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो विकास ज़रूर होगा। और लोग क्या करते हैं कि अपना देखते हुए विकास को ही पीछे छोड़ देते हैं। हम ये चाह रहे हैं, हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम विकास को भी साथ में पकड़ के चलें ताकि विकास होता रहे गांव में और हम आगे भी ऐसे ही बने रहें। चुनाव दर चुनाव होते चले जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि ये जनता खुद कहती है कि गाँव का विकास कम होता है, जो कोई प्रधान बनता है उसका विकास भरपूर हो जाता है। जी देखिए, जनता का कहना भी सही है, जितने प्रधान हैं वो उनसे त्रस्त हो चुकी है तभी उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। दिल्ली से जब पैसा चलता है 1 रुपए, वो यहाँ जनता तक आते आते 10 पैसे बचता है, और इसमें जनता की भी थोड़ा वो है कि वो शुरू में कुछ लोग लालच में इधर उधर कर जाते हैं, तो कुछ होती ही गलतियाँ सबसे होती हैं, बट देखा जाएगा आगे। हम हैं तो आपको हम किसमें रखें? सर, वो 5 साल बाद खुद आप देखेंगे। अभी आप क्या अपने आप क्या सोचते हैं, आप किसमें हम रखें? हम अब तो अपने आप को अच्छे में गिनेंगे, हम तो विकास अपने आप अलग करेंगे और प्रधानों से, आप जिन्होंने अपना विकास किया, गांव विकास नहीं किया। सर, हम अपने से नहीं कर सकते, हमारा कार्य आपको बताएगा। अभी जनता कैसे भरोसा, कोई आप ठोस दलील तो दे जिसपे भरोसा। ठोस हम यही कह सकते हैं कि 10 साल बाहर रहने के बाद भी जनता हम पे विश्वास दिखाई है तो उनके दिल में कुछ रहा होगा, कुछ उम्मीदें रही होगी, तभी वो हमको चुने हैं। प्रधान बनने के बाद कहीं फिर चले जाए, ये भी डर है ना? ये डर अगर होता तो हमको नहीं चुनते, उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनके विश्वास पे हम खरे उतरें। बिजली पानी सड़क 3 बुनियादी आवश्यकता जी होती है। जी, इनमें से आपके गांव में सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक सर बिजली है। तो अभी बिजली घर घर नहीं पहुंची? घर घर पहुंची है, मगर जो वायर हैं, जो पहले की जो तारें लगी हुई हैं सर, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, वो जब से लगी हैं तब से बदली नहीं गई हैं, लगभग 20 साल हो गए, तो उनको बदलवाना पहले सर आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हाईटेक जमाना है, बच्चों को मोबाइल से पढ़ना है, सब कुछ है, कोरोना काल में लाइट ही नहीं रहेगी, मोबाइल चार्ज कैसे होगा, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बिना रोशनी के आप पढ़ नहीं सकते हैं। चलिए, आपको बधाई बहुत बहुत, आपकी माता जी प्रधान बनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई, आप अच्छा काम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।